नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं N27 न्यूज। आरएमएल अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट बेस के नर्सिंग का काम कर रहे कर्मचारियों को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। ये बेहद शौक की बात है। तकरीबन 43 महिलाओं और 16 पुरुषों को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस मामले को लेकर के सभी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी नाराजगी केंद्र सरकार से है। नर्सिंग और वार्ड बॉय के सरकारी ये कर्मचारी जो थे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पिछले कई सालों से आरएमएल अस्पताल में सेवा दे रहे थे, वो लगातार 15 सालों से आरएमएल अस्पताल में अपना काम कर रहे थे। अचानक उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। वो लगातार जब काम करते थे, वो अपने सीनियर अधिकारियों का आदेश मानते थे। उनका कहना है कि हमने अपनी नौकरी में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। 2 साल जब कोरोना काल आया तो हमने दिन रात एक कर अस्पताल में सेवा दी, अपने परिवार को और अपनी खुद की जान को खतरे में डाला। मगर बावजूद इसके सरकार ने उनको इनाम ये दे डाला कि उनको उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन दे डाला है, आप ये तस्वीरें देखिए और समझिए इनका दर्द। देखिए N27 न्यूज की ये खास रिपोर्ट। कोरोना में हस्बैंड और ससुर जी दोनों एक्सपायर हो गए एक साथ। मोदी जी कहाँ है, मुझे बताइए कहाँ है मोदी जी? बड़े फूल बरसाए, था ये बरसाई, ये करा वो करा, क्या करा मोदी जी ने? जिनका घर एक साथ उजड़ गया, कहाँ गए मोदी जी उस दिन? सारे लोगों को कहा 1 करोड़ रुपया देंगे, 1 लाख देंगे, क्या दिया इस बच्चे को? कितना छोटा बच्चा है ये, आप देखिए। आप सब थे ना मीडिया वाले उस टाइम? कौन नहीं था मीडिया वाला? ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को वापिस लो और पुरानी पेंशन बहाल करो। और हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी से वादा किया है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में हमारी 17 यूनिट पूरे भारत में, हमारी केंद्र कर्मचारियों की 17 यूनिट है हॉस्पिटलों की, हम गेट प्रदर्शन करेंगे, सरकार की इनके हक में लड़ाई लड़ेंगे। हमारी मांग है इन कर्मचारियों को तुरंत वापस लो, लेकर तुरंत इनको रोगल किया जाए, परमानेंट किया जाए इन लोगों को, और इनका हक दिलाया जाए। इन्होंने करोड़ों में बहुत साथ दिया है और मोदी जी की आवाज़ पर सैनिक बनकर इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। कई हमारी बहन बेटियों के पति एक्सपायर हो गए हैं, बच्चे एक्सपायर हो गए कोरोना में। कोरोना कहाँ से कहा था? कोरोना भी हॉस्पिटलों से कहा था। स्वास्थ्य कर्मचारियों के बच्चे एक्सपायर हो गए, इनकी बीवी एक्सपायर हो गई, इनके पति एक्सपायर हो गए, इनका अधिकार मिलना चाहिए, इनको तुरंत वापस लें। मैं स्वास्थ्य कर्मचारी से, MS साहब से, DG साहब से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों ने नहीं सुनाई की तो हम लोग, भारत सरकार के इतने स्वास्थ्य कर्मचारी हैं 17 यूनिट, सब लोग प्रदर्शन पे आएंगे। फरवरी के फर्स्ट वीक में प्रदर्शन गेट मीटिंग शुरू करेंगे, नहीं तो उनको तुरंत वापस लिया जाए। और मीटिंग उसके बाद भी आपने सुनवाई नहीं की तो हम लोग तुरंत स्ट्राइक पे जाएंगे। सर, हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 2010 से लगे हुए हैं। LDC हमारी पोस्ट है और 43 नर्सेज हैं जिनको बाहर कर दिया है। अभी 1 महीने से हम बाहर ही हैं और ये एक तरह की लूट मार वाली व्यवस्था है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों को पैसा देना और वो पैसा ऊपर तक जाता है, नीचे से ऊपर तक जाता है। और हम हैं हॉस्पिटल कॉन्ट्रैक्ट पे, तो हमसे भी यही बात कही कि आप आउटसोर्सिंग में ही जॉब करेंगे, अदरवाइज़ ये वाली जॉब चलेगी नहीं आपकी। कोर्ट के भी ऑर्डर्स थे कि इनको 12, 13, 15 साल हो गए हैं तो इनको कैसे ना कैसे एडजस्ट करो, उम्र भी इतनी हो गई है, बच्चे छोटे छोटे हैं और कैसे गुजारा चलेगा। हमें 15 साल हो गए हैं। कितने लोग हैं आप लोग जाने? हम जो LDC पोस्ट है वो 16 हैं और 43 नर्सेज हैं 60 के अराउंड में। अस्पताल प्रशासन से आप लोगों ने बात की है कुछ क्या? उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन ने बात करी है, बोले अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और ये तो आप हमारी सेवा कर रहे थे इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, अदरवाइज़ अगर आप आउटसोर्सिंग के होते तो हम घुसने भी नहीं देते। तो मतलब एक तरह से ये चैलेंज है कि अगर कलकदर आउटसोर्सिंग का ऑप्शन भी बनता है
तो उसमें कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं आरएमएल अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ की मांग है कि उनको दोबारा से नौकरी दी जाए। नौकरी हर किसी के लिए बेहद जरूरी होती है, ऐसे में सरकारी महकमों में इस तरीके की हरकतें कहां तक ठीक हैं? क्या है आप लोगों की राय, वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देशों दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज। मैं हिमांशु मुद्गल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।